नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज। आपको बता दें, वार्ड 3 के निगम पार्षद जयवीर खटाना को सेक्टर 58 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो थाने के अंदर हैं, लेकिन थाने के बाहर वार्ड 3 के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो पानी के लिए बहुत परेशान थे। और इन्होंने जयवीर खटाना का समर्थन किया था, क्योंकि इनकी जो परेशानी थी पानी की किल्लत से परेशान थे लोग। त्राही माम हो गया था पूरे एरिया में, कई दिनों से पानी नहीं आ रहा था। तो ये लोग सेक्टर 25 ट्यूबवेल के अंदर चले गए और निगम अधिकारी जो था उससे तीखे सवाल किए, नोकझोंक हुई। उसके बाद जयवीर खटाना के खिलाफ FIR दर्ज हुई। आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पर कई लोग हैं जो उनका समर्थन करने आए हैं। थोड़ा सा पीछे, हाँ देखिए आप लोग, कई सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनका समर्थन करने आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दामोदर उपाध्याय है। पार्षद जयवीर खटाना गिरफ्तार हो गए, पता चला आपको? हाँ जी पता चला। ये क्यों गिरफ्तार हुए पता चला? गिरफ्तार मुझे यही पता चला कि उन्होंने पानी के लिए पब्लिक परेशान थी, पानी के बारे में एजिटेशन करने के लिए आए थे। अच्छा। और वहाँ पर कुछ बातचीत नहीं बनने पर उनको गुस्सा आ गया, कोई ऐसी कोई बात हो गई है। और डिटेल में मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता लगा कि एक्शन साहब के साथ कुछ बहस हुई है। और इस बार में उन्होंने पानी को लेकर वहाँ पर कोई था भैया उस दिन? कोई था वहाँ पे आप लोगों में से? हम थे वहाँ पे। अच्छा आप बताइए क्या हुआ था वहाँ? पानी के लिए बोला जा रहा था, 2 बूस्टर से पानी आ रहा, हफ्ते में 2 दिन पानी आ रहा है और पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, उनको वहाँ बोला गया, एक्शन वगैरह उन्होंने उनको बदतमीजी करी और जयवीर खटान को कुछ भी नहीं कहा हमारे सामने। अच्छा, जबरदस्ती उनको दिया गया। वो जो 2-4 लेडीज थे, उन लेडीजों के साथ में उन्होंने बदतमीजी करी। जो लेडीजों ने फिर उसको पकड़ लिया जयवीर का, और हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं था, जयवीर बिल्कुल अलग थे। आप मुझे ये बताइए, क्या वाकई में पानी की किल्लत है आप लोगों को? बहुत ज्यादा, बहुत। हफ्ते में 2 दिन पानी आ रहा है, 5 दिन में एक बार पानी आ रहा है यहाँ पे। 5 दिन में, वो तो हमारे पार्षद जी पानी की प्रॉब्लम है। पार्षद जी ने पब्लिक के लिए पानी के लिए अप्रोच किया, बूस्टर उन्होंने बंद करवा दिया एक्शन ने। जब वहाँ वो लोग पहुँचे तो वहाँ पे लेडीज इकट्ठा हो गई पानी की समस्या को देखकर, तो लेडीजों ने उनको कुछ बुरा भला कहने लगे। उसके बाद में इन्होंने जो है मदन कोई एक्शन, उन्होंने इनके खिलाफ जयवीर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि उनका उसमें कोई रोल नहीं, झूठी कंप्लेंट है। तो आपको लगता है गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत है। वहाँ पानी की समस्या है, उनका जाति मामला थोड़ी है, लड़ाई उनके क्या है, वो पार्षद है, पार्षद पब्लिक के नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? ऐसा कहा जा रहा है SC ST एक्ट भी लगा दिया गया ताकि वो लंबे समय के लिए जेल में चले जाएं। ये सब राजनीति के तहत पॉलिटिक्स है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, वो राजनीति के तहत भगाया जा रहा है। ये धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक पार्षद है, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगे तो वो उसके पास ही जाएगा, जनप्रतिनिधि के पास ही जाएगा। जनप्रतिनिधि का अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे तो नेचुरल में क्रोध आएगा ही आएगा, चाहे आप है चाहे मैं हूँ, किसी को भी। जैसा कि आप लोगों को पानी की दिक्कत होती है तो आप लोग पार्षद को अप्रोच करते हैं? बिल्कुल करते हैं, पार्षद के दफ्तर पे जाते हैं और पार्षद निगम अधिकारियों को बोलते हैं। हाँ जी, निगम अधिकारी अगर बात नहीं मानते तो क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करते हैं आप लोग? अगर प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसे जेल भेज दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो क्या कोई आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? ऐसे आवाज दबाने का क्या आपको लगता है? आवाज दबाने का प्रयास, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? ये तो जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाने की, पब्लिक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पानी ना मांगे पब्लिक, जनप्रतिनिधि है तो पब्लिक है, पब्लिक के दबाने के बाद कैसे भरेंगे पानी? बिल्कुल, टैंकर से पानी मिलता है, खरीदते हैं पानी, पानी खरीद कर पीते हैं। अगर वो 6 दिन हो गए साहब, टैंकर 6 महीने बंद हो गए, पानी की दिक्कत के लिए तो जाएंगे ना पानी। ये शिकायत करीब प्रेम प्यार से उनके सन को बोला गया, उन्होंने बोला मेरा यहाँ नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने शर्ट बट गए। लेडीजों ने सुना, कोई जवाब नहीं दिया जी उन्होंने। उन्होंने जयवीर ने उनको कोई उंगली टच नहीं करी, बिल्कुल मारपीट नहीं हुई है। हमारे पार्षद ने कहीं पर नहीं, जनता का
ऐसा है पानी के लिए रात दिन, ये कोई आक्रोश और वो नहीं है। जनता जब ऐसा है फील कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, उसके दर्द को लेकर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा, वो करेगा क्या उसको? पुलिस जनता की परेशानी देखकर आपको लगता है जयवीर को थोड़ा गुस्सा आ गया उस वक्त? गुस्सा नहीं आया, पर आ भी जाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा, उल्टा हमें, हमारे लिए कोई खड़ा है, हमारे को एक तसल्ली सी होती है, पानी तो मिल ही नहीं रहा, पानी के बिना जी नहीं सकते। आप लोग सपोर्ट में है जयवीर? क्या करेंगे फिर? ये पुलिस ने पहले हम धरना देंगे, हम अपना पानी लेके रहेंगे, हम धरना देंगे। हमारे पार्षद को गलत तरीके से ऐसे बुलाया था कि आ जाओ हम आपका मामला रफे दफे कर देते हैं, और वो बेचारा सीधे साधे आके बैठ गए, आके हाथ पकड़ के बैठा लिया अंदर। ऐसे थोड़ी होता है कोई, ये एक बीजेपी की मिली जुली साजिश है, ये बीजेपी सरकार की मिली जुली साजिश है। हमारा पार्षद रात को 2 बजे तक नहीं सोता पानी के लिए, रात को 2 बजे तक नहीं सोता हमारा पार्षद। पार्षद का भाव इतना मेहनती, हमारे पूरे फरीदाबाद में और कोई पार्षद नहीं है जितना हमारा पार्षद मेहनती है। कोई खड़ा नहीं रहता है हमारे पास, ना कोई सरकारी ऑफिसर है, ना कोई अमला है, एक ही आदमी है जो हमारे साथ खड़ा है। ये पब्लिक कॉलोनी कहाँ जाएगी? हमारे पास एक सहारा है, अभी तो थोड़े लोग आए समर्थन में, हमारे पास और पार्षद के अलावा महिलाओं का रुख क्या है? आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सेक्टर थाना थाने के बाहर अंदर भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है, और बाहर उनके समर्थक मौजूद हैं जो कह रहे हैं पार्षद की गिरफ्तारी नाजायज है, उन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई थी। आप भैया कहाँ से आए? संजय कॉलोनी, संजय कॉलोनी। पानी की आपको भी दिक्कत है? हाँ जी बिल्कुल दिक्कत है, 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है, और पानी तो जनता का मूलभूत अधिकार है, ये तो लेना ही पड़ेगा। जब आपको पता चला पार्षद गिरफ्तार हो गए हैं जयवीर खट्टर? जी बिल्कुल, पार्षद हमारे ही गली के हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं दिन रात, हमारे लिए खड़े हैं आगे, ऐसा कोई नहीं है। चार बार से उनके माता जी मेयर रह चुके हैं, उनके पिताजी पार्षद रह चुके हैं, अब उनकी पत्नी और वो खुद अब पार्षद हैं, उनके जैसे तो पार्षद ही नहीं है। आप लोग शिकायत करते हैं, फोन वगैरह उठाते हैं पार्षद, बात करते हैं? हाँ जी बिल्कुल उठाते हैं, दिन में हम 4 बार फोन करेंगे तो 4 बार हमारी समस्याओं को सुनेंगे वो। अच्छा, ये क्या समस्या है, फिर उस समस्याओं पे बोलेंगे। आपका क्या कहना है सर? मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है, मैं वार्ड नंबर 3 से ही पार्षद हूँ। जो पानी की मूलभूत सुविधा है वो जब जनता को नहीं मिली, तो जयवीर ने जनता की आवाज को उठाने का काम किया है, और ये जो प्रशासन है ये झूठे मुकदमे लगा के जयवीर की आवाज को दबाने का काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं चलेगा। अपनी जवाबदेही से कोई भी प्रशासन नगर निगम का नहीं बचेगा, उसको जवाबदेही बनती है पानी देने की और देने पड़ेगी। इस तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जनता की आवाज को या जयवीर पार्षद की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो जो नगर निगम के अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर निगम के अधिकारी को बस एक ही संदेश देना है, इस तरीके के झूठे मुकदमों से अपने आप को बचाएं, और जो उनकी जवाबदेही है उसको खड़े उतरें और लोगों को पानी देने का काम करें, ना कि झूठे मुकदमे देकर जनता की आवाज को दबाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग देख सकते हैं समाधान करना, तो उस समस्या को छोड़कर ये तो मुद्दे को भटकाने में लगे हुए हैं कि बिल्कुल हम उस दिन भी खड़े थे 11 तारीख को, बट ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आता पाई हो, एक शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत करने गए थे कर्मचारियों को, और लेडीजों के साथ गई थी कि मैं यहाँ पे आज ड्यूटी पे नहीं हूँ इस तरह से, और अपना एक छुटकारा था वहाँ पे। फिर एसएचओ साहब ने वादा किया था 10 दिन का बात करने। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वादा किया था पानी नहीं आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ था। जबकि ये एसएचओ या पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, ये एक नगर निगम का काम है। और चलो ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये लोग पार्षद का समर्थन करने पहुँचे हैं, और अंदर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। पार्षद जयवीर खटाना इसी थाने के अंदर हैं, आप लोग देख सकते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस कानूनी कार्रवाई अपना कर रही है, और उसके बाहर थाने के बाहर ये लोग इकट्ठे हैं। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, पार्षद को जेल भेजा जाता है या उनकी बेल होती है, उनके समर्थक क्या करते हैं, उनका किस तरह से समर्थन करते हैं, आने वाले वक्त में आपको बताएंगे। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।